तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो सबसे पहले हम बड़ी हड्डी से शुरू करते हैं, फिब। फीमर जो हमारी, जिसे हम थाई की हड्डी बोलते हैं, तो वे भी टू होती है, एक पैर में एक होती है और दूसरे में भी एक, तो ये दो हो जाती है। उसके बाद उसके नीचे आती है एक पटेला, यानी जिसे हम नी कैप बोलते हैं, पटेला, ये भी दो बोन होती है, यानी वन घुटने घुटने पे जो कैप सी दिखाई देती है उसे ही बोलते हैं हम पटेला, तो ये भी दो होती हैं। उसके बाद आ जाती है टीबिया, जो घुटने से नीचे दो हड्डी होती है, तो एक तो होती है जो बड़े वाली हड्डी होती है वो होती है टीबिया, तो एक पैर में एक होती है दूसरे में भी एक, तो ये भी दो पाई जाती है। उसके बाद आती है फेबुला, फेबुला भी दो पाई जाती है, ये जो घुटने से नीचे जो दो हड्डी होती है, जो छोटे वाली हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं फेबुला, और जो बड़ी होती है उसे बोलते हैं हम टीबिया। फिर उसके बाद आ जाती है टार्सल, टार्सल कितने होते हैं 14, यानी जिस तरह हमारे कार्पल्स होते हैं, ये रिस्ट रिस्ट वाले जो होते हैं ये कार्पल्स, इस तरह हम पैर में इसे टार्सल बोलते हैं। तो हमारे जो हमारे हाथों में होती है 8 कार्पल्स होते हैं 8, और इसमें 7 होते हैं, यानी एक में 7 होते हैं और दोनों में 14। तो उसके बाद आ जाते हैं मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितने होते हैं 10, यानी एक पैर में हो गए 5 और दूसरे में 10 हो जाएगे, तो यानी दोनों के पैरों के मिलाकर 10 मेटाकार्पल्स हो जाएंगे। तो उसके बाद बचता है फेलेंजिस, फेलेंजिस कितनी पाई जाती है, फेलेंजिस होती है 28, यानी वन एक पैर में होती है 14 और दो दोनों को मिलाकर 28, तो ये है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ये कितनी हो जाती है 60 बोन, 60 बोन, इसमें 2 बोन ऐड हो जाते हैं किसकी, पैल्विक गिर्डल की, तो ये कितनी हो जाती है 62। तो ये अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ पर होती है। तो ये देखिए जो थाई हड्डी होती है, ये वाली हड्डी जो होती है थाई बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं हम फीमर, फीमर ये वन पैर में एक होती है और दूसरे में भी एक होती है, तो ये टोटल दो होती है। तो उसके बाद जो बड़ी हड्डी दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं टीबिया, और इसे बोलते हैं फेबुला, फेबुला। तो टीबिया जो बड़ी वाली हड्डी होती है, ये छोटे वाली दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं हम टीबिया, इसे बोलते हैं फेबुला, यानी टीबिया भी एक पैर में एक और फेबुला भी एक पैर में एक, तो ये दोनों पैरों में दो दो पाई जाती है। इसके बाद एक हड्डी आ जाती है जो यहाँ पर गोल सी होती है, जिसे हम नी कैप बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम पटेला, पटेला बोन्स बोलते हैं, ये दो होती है इसमें। और हाँ एक क्वेश्चन और होता है इसमें, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे जो शरीर में, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है और कौन सी होती है, तो वो हमारे थाई की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो इसे हम क्या बोलते हैं फीमर। उसके बाद आ जाता है टार्सल, जो हमारे पैर में यानी फुट में पाए जाते हैं ये यहाँ पर, तो टार्सल कितने होते हैं 7, एक पैर में 7 और दोनों में 14, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कितनी हो गई 7, तो ये वन पैर में कितनी होती है 7 और दोनों में 14, तो ये हो गई टार्सल हमारी। फिर आ जाती है मेटा टार्सल, जो इनसे बड़ी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये वन पैर में 5 पाई जाती है और दोनों में 10, तो ये 10 पाई जाती है।
उसके बाद आ जाता है फेलेंजिस। तो फेलेंजिस कितनी होती है, ये हाथों की तरह ये भी 28 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी होती है, 14, यानी 14 होती है एक पैर में और दोनों में 28, जो हमारे हाथ में और पैर में एक बोन का डिफरेंस होता है। किस में, टार्सल में और कार्पल में। टार्सल में जो होती है वे 7 बोन होती है, पैर में जो होती है टार्सल वे 7 बोन होती है, और जो हाथ में होती है रिस्ट में होती है वे होती है 8 बोन। यानी एक बोन का बस यहाँ पर डिफरेंस होता है, नहीं तो थोड़ा सेम ही होती है। क्योंकि फेलेंजिस भी कितनी, 28 होती है, हैंड में भी, हाथ में भी और पैर में भी। और जो मेटाकार्पल्स होती है और मेटाटार्सल होती है, ये 5 5 होती हैं हाथों में भी और पैरों में भी। जब टार्सल की और कार्पल की बात आती है तो एक का डिफरेंस हो जाता है। तो हमारे हाथ में जो है, हैंड में 8 पाई जाती है और पैर में 7। तो इसमें हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो पूरा हो चुका है।